वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के डेली डोज में। तो आज है 3 दिसंबर 2020, हम लोग देखेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो दिवस है ये बताता है कि जो पॉल्यूशन है उसमें कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए ये डे है। तो ये हम लोग हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपका नेशनल है, आपका डे है, और ये हम लोग 1984 से सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या हुआ था कि 1984 में 2 और 3 की रात है ना, दिसंबर में आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया था, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारा लॉस हो गया था। तो ये जो आपका जो डे है बेसिकली उन लोगों को ही याद किया जाता है जो उस गैस ट्रेजेडी में आपका उनका डेथ हो गया था, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन क्रिएट हो गया था। तो बेसिकली ये जो डे है ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि हम लोग कैसे अपने आसपास में पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, साथ साथ कैसे मैनेज और कंट्रोल करें हमारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर को, साथ साथ कैसे हम लोग पॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा नेग्लेक्ट कर सके, मतलब उसको कम कर सके, ख़त्म कर सके, और लोगों को ये बताया जा सके कि एक इंडस्ट्रीज में, एक फैक्ट्रीज में क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर्स ध्यान रखने चाहिए ताकि ये किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट ना हो और सब लोग ठीक रहें। अगला सवाल है, Who has released booklet on birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji? तो श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस पर एक बुकलेट रिलीज की गई है, बुक रिलीज की गई है, पुस्तक रिलीज की गई है। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये की गई है आपके मिनिस्ट्री ऑफ INB, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये एक बुक है जिसको लॉन्च किया गया है या फिर रिलीज किया गया है। और ये जो पुस्तक है इसकी टाइटल है PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स, ठीक है, कि प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता रहा, एक खास रिश्ता रहा है लोगों के बीच में, खासकर सिख रीजन के लोगों के बीच में, ठीक है। तो उस ओकेजन ये श्री गुरु नानक जी का बर्थडे आया है, ठीक है, तो उसके ओकेजन पे ये रिलीज किया गया है, ठीक है। ये जो बुक है आपकी 3 लैंग्वेज रिलीज की गई है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। अगला सवाल है, Who has been roped in as BAFTA Breakthrough India Ambassador? ठीक है, तो किन्हें BAFTA Breakthrough का ब्रांड अम्बेसडर फिर आपका इंडियन अम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बना गया है आपको ए आर रहमान जी को। तो ए आर रहमान जी को हम लोग जानते हैं, ये ऐसे हमारे देश के कंपोजर हैं, सिंगर हैं, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है, साथ साथ इन्होंने ग्रैमी भी अवार्ड जीता है इंडिया के लिए। तो इनको चुना गया है एज द एम्बेसडर ऑफ द ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया। अब ये बाफ्टा क्या है? बाफ्टा आपकी एक एकेडमी है, पार्ट है, ठीक ना, मतलब ऑस्कर एकेडमी की पार्ट है, जो बेसिकली न्यू टैलेंट्स को सर्च करती है, जो कि आपके किसी भी तरह का फिल्म इंडस्ट्री से हो, गेम से हो, या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री से हो, तो उसको लिए ये टैलेंट सर्च करती है। तो 2020 में आपकी ये बैफ्टा ने एक आइडेंटिटी बनाई है और सपोर्ट करने वाले हैं 5 एक्सेप्शनल टैलेंट को, जिनके अंदर में टैलेंट बहुत है लेकिन किसी वजह से उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो आपके वर्किंग फिल्म टैलेंट से हो, गेम से हो, या फिर टेलीविजन से हो। तो ऐसे 5 लोगों को आपको ये बैफ्टा हेल्प करेगा, और इसमें हेल्प करेंगे AR रहमान जी उस टैलेंट सर्च के लिए। अगला सवाल है, When is International Day for the Abolition of Slavery? तो मजदूरी से या फिर मजदूरी को खत्म करना, बंधन, जो बंदी बना के रखते हैं उसको खत्म करना, उसके लिए एक आपका डे है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को हर साल। तो ये आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा गठित की गई ये दिवस है, जो कि बेसिकली काम करती है स्लेवरी को लेके। अब वो स्लेवरी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका ट्रैफिकिंग हो सकता है किसी पर्सन का, कि किसी पर्सन को हम लोग जबरन कर रख पकड़ के उसका बेचना कर उसको बेच रहे हैं एक जगह दूसरे जगह, किसी तरह का सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन हो सकता है, ठीक है, और बच्चों से मजदूरी वगैरह, जबरन शादी करवाना, ठीक है, ये सब चीज का को लेके ये आपका बात करती है। तो इसी को लेके ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एट द
ग्लोबल सीईओ ऑफ टाटा, ठीक है। तो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के लिए अब किन्हें आपका अपॉइंट किया गया है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाटा का? तो ये चुना गया है संदीप कटारिया जी को। बाटा में बता दूं आपकी एक वर्ल्ड लेवल की आपकी फुटवेयर है, जो कि जूते चप्पल वगैरह बनाते हैं, और अभी खासकर तो ये आपके बैग्स एंड पर्सेस वगैरह भी बना रहे हैं, तो ये लेदर वगैरह के काम करते हैं। तो ये जो है अब इनको संदीप कटारिया जी को चुना गया है एज अ ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो इनका वो रोल रहेगा वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे रहेगा। तो ये टेक ओवर कर रहे हैं एलेक्सिस नसार्ड को, ठीक है, जिन्होंने अपना पदभार छोड़ दिया है। तो उनका 5 साल का कार्यकाल होने के बाद उन्होंने ये स्टेप डाउन कर लिया है। तो अब उनके जगह पे आपके रहेंगे संदीप कटारिया जी। इससे पहले 2017 से ये इंडिया के सीईओ थे, ठीक है, बाटा का इंडिया रीजन में, और अब ये ग्लोबल रीजन में रहेंगे। अगला सवाल है, हु इज विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है लाहौर, ठीक है, लाहौर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी है, शहर है, और ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द आपका इंडेक्स जो है आपकी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक ना, इसके द्वारा एक रिलीज की गई है डाटा, उसमें बताया जा रहा है कि लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वही दूसरी नंबर पे आता है न्यू दिल्ली, और तीसरे नंबर पे आती है नेपाल की कैपिटल काठमांडू। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये जो दिवस है ये कंप्यूटर लिटरेसी सी कहने का मतलब कंप्यूटर के नॉलेज को लेके है। तो ये जो ऑब्जर्व कहता है हर साल 2 तारीख को, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डे है वो कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में बताता है कि कितने लोगों को कंप्यूटर में नॉलेज है, और कंप्यूटर की नॉलेज होना क्या क्या फायदेमंद है, ठीक है। तो ये डे प्रमोट करती है आपकी टेक्निकल स्किल्स को लेकर, खासकर बच्चे और महिलाओं में। तो ये जो आपकी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है ये कंट्रोल करती है एडवांस गैप। कहने का मतलब अगर अभी हम लोग अपने जमे में देखें तो हम जो है हम अब कंप्यूटर वगैरह मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो फोन वगैरह यूज नहीं करते हैं। और चलिए मान लीजिए किन्हीं किन्हीं के पेरेंट्स में पापा तो करते हैं लेकिन मम्मी नहीं करती है, क्योंकि मम्मी लोग का जीवन होता है आपका हाउसवाइफ। तो यही जो गैप है, जनरेशन गैप है, और ये आपका कंट्रोल करने को है कि सभी लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अगला सवाल है, हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी शिप वर्सन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? तो किसने ब्रह्मोस मिसाइल का जो कि एंटी शिप है मतलब आपके समुद्र तट से आपका किया गया है, तो ये आपका किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। जो इंडियन नेवी है उसने ये टेस्ट फायर कर लिया है और ये सक्सेसफुली काम किया है। तो ये किया गया आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी में, और ये शिप में इसको रखा गया था, और इसके सामने आपके एक आपका शिप रखा गया था उसमें इसको छोड़ा गया और सक्सेसफुली अपना काम कर दिया, और उस तरह से जो शिप है उसको तहस नहस कर दिया। तो ये 300 किलोमीटर के रेंज में किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, और ये आपका बनाया गया है बाय द डीआरडीओ के द्वारा। अगला सवाल है, हु हैज ई लॉन्चेज वर्चुअल आदि महोत्सव? तो आपका लॉन्च किया गया है वर्चुअल आदि महोत्सव। वर्चुअल कहने का मतलब कि बेसिकली जो महोत्सव होते हैं वो आपका किसी जगह पे लगता है तो लोग फिजिकली जाके देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये जो आपकी महोत्सव है आदि महोत्सव ये आपका कंप्यूटर के थ्रू होगा, आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको वर्चुअल कह रहा है, और इसको लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर द ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपकी 10 दिन तक ये त्योहार चलेगी, जो शुरू होगी 1 दिसंबर से, खास करके मध्य प्रदेश में। तो जो भी है ये उसको होस्ट कर रही है इस फेस्टिवल को, और ये जो साइट है आपकी ये ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट www.tribesindia.com, ठीक है। ये है, ये जो इवेंट है ये शोकेस करेगी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ट्रेडिशन को, जो कि वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज को बिलोंग करती है और बताती है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल है उसको बताएगी, उनके आर्टिकल्चर को लेके, उनके आर्ट्स को लेके, उनके क्राफ्ट्स को लेके, ये सब चीजों को बताएंगी ये, और ज्यादा अच्छे से दिखाएंगी लोगों को। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च द्वारे सरकार आउटरीच कैंपेन? तो किनके द्वारा द्वारे सरकार
आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो जैसा हम लोगों को नाम दिख रहा है द्वारे सरकार बंगाली में है, तो ये है आपका किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है, सीएम है, तो उनके द्वारा एक ये बहुत बड़ा आपका कैंपेन चालू किया गया है जिसका टाइटल है द्वारे सरकार, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट एट डोर स्टेप। कहने का मतलब जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो आपके घर के द्वार पे है। तो बेसिकली किसी भी को अगर कुछ काम लेना है तो ये स्कीम के तहत आज जो सरकार है वो आपके घर तक आएंगी और वो आपका काम करेंगी। तो ये 2 महीने का कैंपेन चलेगा जो शुरू हो रहा है आपका 1 दिसंबर से और ये खत्म होगा 30 जनवरी 2021 को। तो ये 4 फेज का रहेगा और इसका जो स्लोगन रखा गया है वो है जार जेखने दरकार आश्चे अपनार द्वारे सरकार। की कहने का मतलब जिसको जब दरकार होगी, जब जरूरत पड़ेगी, सरकार आपके घर पे पहुंच जाएगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये ममता बनर्जी के द्वारा स्कीम लाई गई है, कैंपेन चलाई जा रही है वेस्ट बंगाल में। तो बस यही थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।